हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, आज 30 जून को क्या फिजिकल का हाल चल रहा है एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज भी जो हाल रहा है ना फिजिकल का, वो बिल्कुल वैसा रहा है जैसा कल और परसों में था, ठीक है। कल और परसों का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आपका जो लड़के फिजिकल क्लियर कर रहे हैं वही 1000 में से आपके 200 के करीब, लगभग 200 के करीब आपके बच्चे जो हैं वो फिजिकल कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं, रनिंग में बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर गर्मी भी एक फैक्टर है, ठीक है। जिनका सुबह की बैच में नंबर आ रहा है वहां पर बच्चे 19-19, 20-20 निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन शाम जो जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी आपकी, वहां पर 8-8 बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आप मान सकते हैं धूप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। इतनी गर्मी में रन करना, भागना, 4 चक्कर लेना बहुत टफ पड़ जाता है। सो उस वजह से भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। दूसरा क्या है, चिप की वजह से। जो 1 सेकंड पहले क्या होता था, आपके 1-2 सेकंड ऊपर भी होते थे तो भी आप निकल जाते थे, लेकिन यहां पर अब क्या है, अगर आपने 1 सेकंड भी ऊपर हो गए ना तो भी आपको बाहर कर रहे हैं, क्योंकि चिप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपका नोट कर रही है, ठीक है ना। अब इसी के साथ क्या होता है कि आपको रनिंग के लिए टाइम कितना मिल रहा है, तो रनिंग के लिए यहां पर आपको टाइम पूरे 6 मिनट हर बच्चे को मिल रहा है, कम किसी को नहीं मिल रहा है, पूरा 6 मिनट का टाइम मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पूरा 6 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल निकल के आता है कि जो क्लियर कर रहे हैं फिजिकल, उनके मार्क्स कितने, कितनी रेंज वाले बच्चे एवरेज कर रहे हैं। तो 60 से 70 के बीच वाले बच्चे वो ज़्यादा फिजिकल को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो एवरेज है, जो रेशियो है, वो 60 से 70 वालों का ज़्यादा है जो फिजिकल को क्लियर करके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो 85 वाले भी बच्चे हैं, 80 वाले भी हैं, लेकिन 60 से 70 वालों की तादाद ज़्यादा है। अगला सवाल है कि क्या बैग और आप सब चीज़ें अंदर ले जा सकते हो, तो हाँ बैग आप अंदर ले जा सकते हो, मोबाइल भी आपका चला जाएगा, अलाउ कर रहे हैं आपका, साथ में ही घड़ी भी बांध कि आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है कि बिना जूतों के रनिंग कर सकते हैं, तो आप बिना जूतों के रनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, सुबह के बैच में अगर आप बिना जूतों के रनिंग करोगे तो अच्छी बात है, आप अपनी बढ़त ले लोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ गया और आपने बिना जूतों के रनिंग की, तो मिट्टी है वहां पर और मिट्टी इतनी गर्म हो रही है ना, आपके पैरों को फाड़ देगी वो, ठीक है। सो ख्याल रखिए कि बिना जूतों के आप ना रनिंग करो जब सर पर सूरज चढ़ रहा हो उस वक्त, क्योंकि वही आपको दिक्कत करेगी, आपके पैर खराब कर देगी वो, ठीक है। उसके बाद आपके पास रहने वगैरह के लिए तो सभी को मिल गया होगा, जो आने वाले उनको भी पता है कि हर किसी के आसपास धर्मशाला है वगैरह, वहां स्टे कर सकते हो। दूसरी बात है, वहां पर पानी की बोतल अपनी आप जरूर लेके जाना, ठीक है। पानी की बोतल अगर लेके जाओगे, ठंडी पानी की बोतल ले जाना, उसको न्यूज़पेपर के अंदर आप एक बार उसको रैप कर लेना, 2-3 न्यूज़पेपर लेना, अखबार के अंदर रैप कर लेना, वो ठंडी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पानी है वो गर्म हो जाता है क्योंकि गर्मी पड़ रही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी आपकी। इसी के साथ ही आपको अपना ध्यान देना है फिजिकल के ऊपर, ठीक है। फिजिकल में ज़्यादा निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको छूट दे रखी है, ठीक है ना। अब हाइट जिसकी पॉइंट्स में कुछ कम है, चेस्ट कम है, उनको अंदर ले रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकाल रहे, चाहे कोई कुछ भी बोले। जिनकी थोड़ी बहुत कम है पॉइंट्स में, उनको बिल्कुल अंदर ले रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस वालों को क्या कर रहे हैं, लर्निंग लाइसेंस वाले फिजिकल दे सकता है। अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको मान्य है या नहीं मान्य होगा, ये मैं शाम की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो डिटेल में लेके आता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो आज के यही समाचार थे आपके। रेशियो वही चल रहा है का जितना कुल मिला के, ठीक है, इतने ही बच्चे जो कल परसों हो रहे थे उतने ही सिलेक्ट हो रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी डिटेल में आपको वीडियो शाम को जो मैं आपके लिए पूरे दिन के समाचार लेके आता हूँ उसमें आप देख सकते हो। आपके कमेंट्स के भी जवाब मैं उसमें दूंगा, सारी चीज़ों के जवाब मैं डेली देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।